वेलकम बैक टू शॉर्टकट। मैं हूं शाइन सर और आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की किताब में से चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स। सो जिसकी एक्सरसाइज दी गई है वो पूरी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिस्ट द कंडीशंस विच अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो कंबशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं जिसके बिना कंबशन नहीं हो सकता है वो कौन कौन सी हैं ये हमें बताना है। तो पहली बात तो हमने देखा था कि मैंने आपको जैसे वीडियो में पिछले वीडियो में जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें फ्यूल चाहिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आग नहीं जलेगी। जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। जब गैस सिलेंडर के अंदर गैस नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। तो पहली चीज़ हमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल मतलब ईंधन। दूसरा पॉइंट जो बताया गया है, एयर इज नेसेसरी। एयर मतलब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन जो है हम ऑक्सीजन सिलेंडर से तो नहीं लेते हैं ना, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हवा में से ही, एयर। इसीलिए यहां पर लिखा है एयर इज नेसेसरी। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी जो है उसको इतनी आग तो देनी पड़ेगी ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर गेन किया जा सके, वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच सके और उसको आग लग जाए, वो आग पकड़ ले। जैसे कि आप जानते हैं जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसके नीचे काफ़ी सारे कागज़ रखने पड़ते हैं हमको ताकि वो जल्दी आग पकड़ ले। पतली पतली लकड़ी हम पहले रखते हैं ताकि वो आग पकड़ ले, फिर बड़ी लकड़ी रखते हैं क्योंकि बड़ी लकड़ी जो है उसको आग लगने में टाइम लगता है क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो घास फूस रहती है, पेपर रहता है, ऐसी चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर कम रहता है। कभी कभी हम लकड़ियाँ जलाने के लिए उसके ऊपर कैरोसिन पेट्रोल का भी उपयोग करते हैं। तो ये है तीन चीज़ें जो कंबशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पूछा गया है बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉल कॉजेस डैश ऑफ एयर। जब आप आग जलाएंगे किससे, लकड़ी और कोयले से, तो इससे क्या होगा, इससे पोल्यूशन होता है भाई, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आप जानते हैं जब लकड़ी जलाते हैं तो धुआं निकलता है, कोयला जलाते हैं तब भी काला धुआं निकलता है, तो पोल्यूशन होता है। दूसरा, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्सेस। घरों में यूज होने वाला लिक्विड फ्यूल कौन सा है, LPG, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, कभी कभी वन मार्क में पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थर्ड जो ब्लैंक है हमारा है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। कोई भी फ्यूल जो है वो आग, जिसको वो आग पकड़ता है, उससे पहले उसको कहाँ तक हीट करना पड़ता है हमें, इग्निशन टेम्परेचर तक। अगर हम उसको इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं ले जाएंगे तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। अगर तेल से आग लगे, यानी कि तेल को आग लग जाए, और तेल जो है वो जैसे कभी कभी आप देखते हैं सी के अंदर तेल फैल जाता है, या फिर इवन कभी कभी जो ऑयल टैंकर रहते हैं जो कि ऑयल लेकर जाते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, उनमें आग लग, वो एक्सीडेंट होने के कारण उनमें आग लगती है, तो उस ऑयल की आग को आप बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है कि पेट्रोल और वाटर जो है मिक्स नहीं होते, तो पेट्रोल हल्का होता है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगर हम पानी फेंकेंगे तो पानी तो बहेगा आगे, तो पानी के साथ साथ बहते बहते ऊपर जो आग ऑयल रहेगा वो भी बहता रहेगा और दूर तक आग फैल सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। अब ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर CNG पंप्स लग गए हैं, मोस्टली भारत के बड़े छोटे शहरों में काफ़ी जगहों पर ये लग चुके हैं। तो CNG जो है वो किस प्रकार से पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करता है ये हमको बताना है। तो पहले देखिए, CNG जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स छोड़ता है, जो फिर हार्मफुल गैसेज है ना जो फ्यूल जलाने से, यानी कि गाड़ियाँ चलाने से जो निकलता है, CNG में वो बहुत ही कम निकलता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एट्सेट्रा, ये सब जो है बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। इसलिए ये जो CNG है इसका उपयोग किया जाता है ताकि कम मात्रा में इनका प्रोडक्शन हो सके। ऑल्दो होता ज़रूर है क्योंकि फ्यूल है वो भी एक, लेकिन उसमें बहुत ही कम मात्रा में रहता है, इस कारण से CNG का उपयोग किया जाता है। और CNG जो है इसीलिए इसको एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा, जब आप पेट्रोल गाड़ी के पास जाएंगे उसके पीछे से आपको धुआं निकलता दिखेगा, कभी कभी थोड़ा डार्क भी हो जाएगा अगर इंजन वगैरह अच्छा ना हो तो। और डीजल गाड़ियों की बात करें वो तो काला ही धुआं छोड़ती है, उनका धुआं तो पूरा काला रहता है, लेकिन जब आप CNG गाड़ी देखेंगे तो उसमें से धुआं नेग्लिजिबल निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो इसीलिए CNG को एक क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। एलपीजी और वुड को हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले कंपैरिजन के लिए हमें जो यूज़ करनी है चीज़ें, पहला एनर्जी की बात की जाए। एनर्जी यानी कि वो कितनी एनर्जी हमें देती है, तो एलपीजी जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देती है और वुड जो है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, यानी कि उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वुड का कम है और एलपीजी का ज़्यादा है। पोल्यूशन की बात करें, एलपीजी में पोल्यूशन बहुत कम होता है लेकिन वुड जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन करती है। रेजिड्यू की बात करें, एलपीजी कोई रेजिड्यू नहीं, रेजिड्यू का मतलब होता है पीछे अवशेष छोड़ना। क्या गैस जलाने के बाद किचन में कुछ बचता है गैस के ऊपर? कुछ नहीं बचता है भाई, लेकिन जब आप लकड़ी जलाते हो तो नीचे राख कोयला वगैरह बचता है। स्टोरेज की बात करें, एलपीजी को लाना एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करना इजी है, लेकिन लकड़ी जो है उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस के कारण हम एलपीजी जो है उसको प्रेफर करते हैं। अब रीज़न पूछे गए हैं, यहाँ पर वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि बिजली के जो उपकरण हैं उनसे लगने वाली आग, यानी कि कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो उसमें पानी का उपयोग नहीं करते हैं उसको बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस एक इसका रीज़न है दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जब आग लगेगी या कुछ ऐसा होगा तो उस पर जब पानी डालेंगे तो वो करंट के कारण और ज़्यादा भड़क सकती है। नेक्स्ट इज एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। ये तो हमने थर्ड क्वेश्चन जो पीछे किया फोर्थ वाला उसमें हमने देखा कि क्यों जो है एलपीजी को एक बेटर फ्यूल माना जाता है वुड से, तो उसके रीजंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। एलपीजी जो है वो बेटर क्यों है? एक तो एलपीजी इजीली अवेलेबल है, वो चीप है कंपैरेटिवली लकड़ी से, वो मॉडरेट रेट पे जलती है, यानी कि एलपीजी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भड़क गई और फिर कम हो गई, लेकिन लकड़ी का आपने देखा है जब लकड़ी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा जलने लगेगी और फिर बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगी, तो यानी कि मॉडरेट रेट पर नहीं जलती है। इसके अलावा एलपीजी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, उसे हीट हमको ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा वो पीछे कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी नहीं छोड़ती है, यानी कि रेजिड्यू की बात करें तो रेजिड्यू भी नहीं छोड़ती है। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर पूछा गया है, पर पेपर जो है वो जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन पेपर जो है उसको अगर आप एल्युमिनियम पाइप के ऊपर लपेट दोगे तो उसको आग जल्दी नहीं लगेगी। रीज़न क्या है? पेपर जो है उसको आग इसलिए लग जाता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, लेकिन जब एल्युमिनियम पेपर पे उसको एल्युमिनियम फॉइल पे उसको लपेट देते हैं, एल्युमिनियम पाइप पे जब उसको लपेट देते हैं तो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस कारण से वो आग नहीं पकड़ पाता है। ये लेबल डायग्राम है आपके डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ये देखिए आउटर मोस्ट जोन जो आपको देख रहे हैं आप ब्लू वाला, दिस इज द हॉटेस्ट जोन। ये जो बीच वाला येलो देख रहे हैं ये मॉडरेट है, और ये जो बीच लास्ट पार्ट देख रहे हैं तो ब्लैक वाला है, यहाँ पर दिस इज़ द लीस्ट हॉट, यानी कि अंदर कम गर्मी फिर बाहर ज़्यादा और बाहर और ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब हमें यूनिट बतानी है जिससे कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड की जाती है फ्यूल की, तो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कौन सी यूनिट से फाइंड की जाती है? वो है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड फायर कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? सपोज इस एरिया में आग लगी है, हमने इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, किसमें से? फायर एक्सटिंग्विशर में से। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसके ऊपर बौछार की तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको ऊपर से ढक लिया और एक लेयर बना दी। अब पहले क्या था, इसको ऑक्सीजन जो थी वो मिल रही थी, लेकिन अब ऑक्सीजन और इस आग के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ गई, जिस कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है आग को नहीं मिल पाएगी, आग को और आग को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट जाएगी, इस कारण से आग अपने आप बुझ जाएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजिली। लकड़ी के सूखे जो पत्ते होते हैं वो जल्दी जल जाते हैं लेकिन ग्रीन लीव्स नहीं जलते। सिंपल रीज़न है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं भाई उसके अंदर वाटर भी होता है, तो वाटर होने के कारण उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, इस कारण से वो बहुत मुश्किल से जलते हैं, जलते भी नहीं हैं, धुआं करते हैं। लेकिन जो ग्रीन लीव्स रहते हैं वो सूखे रहते हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता है, वो एक पेपर जैसे ही होते हैं, इसलिए वो आसानी से जल जाते हैं। विच जोन ऑफ द फ्लेम डज गोल्डस्मिथ यूज। गोल्डस्मिथ जो है वो कौन सी फ्लेम के जोन का यूज़ करता है और क्यों करता है? मेल्टिंग गोल्ड सिल्वर के लिए वो मेल्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा जोन होता है और क्यों? पहली बात, उनको ज़्यादा आग चाहिए होती है इसलिए वो सबसे बाहरी जोन यानी कि आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिले कौन सा जोन था, वो था आउटर मोस्ट जोन। दूसरा क्यों? बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन, क्योंकि वो सबसे गर्म जोन है। तो दोनों आंसर हो गए हमारे। अब यहाँ जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि एक फ्यूल जलाया गया कितना, 4.5 किलो, उससे इतनी हीट मिली, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करो। अब सपोज़ आप यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के 100 किलोमीटर गए और आपका 5 किलो फ्यूल खर्च हुआ या 5 लीटर फ्यूल खर्च हुआ, तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आएगी आपकी गाड़ी की फ्यूल की, यानी कि 20। कैसे? 5 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 20, यानी कि 1 किलो फ्यूल जलाने पे, 1 लीटर फ्यूल जलाने पे आप 20 किलोमीटर गए,
इस प्रकार आपने 5 किलो फ्यूल जलाया, 5 लीटर फ्यूल जलाया तो आप 100 किलोमीटर चलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखनी है, कैलोरी फ्यूल ये दी गई है कितना है उसकी, मतलब कितनी हमको हीट मिली, इतनी मिली 1,80,000, और फ्यूल कितना चलाया 4.5 किलो, तो वही चीज़ हम रखेंगे यहाँ पे 1,80,000 हीट मिली, यानी कि ये जैसे हमने यहाँ रखा था 800, वैसे यहाँ पर 1,80,000 आएगा। उसके नीचे टोटल कितना फ्यूल जलाएगा 4.5 किलो, जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 40,000 किलोजूल पर केजी, यानी कि यहाँ पर जो भी फ्यूल जलाएगा एक्स वाई जेड जो भी फ्यूल था उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 40,000 किलोजूल पर केजी रहेगा। क्या रस्टिंग जो है वो एक कंबशन है, डिस्कस करो। नहीं, रस्टिंग को कंबशन नहीं कह सकते हम, क्योंकि रस्टिंग जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन कंबशन जो है वो थोड़ा फास्ट है। कंबशन मतलब कोई भी चीज़ जलती है वो तो क्विकली जल जाती है, लेकिन रस्टिंग तो बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है धूप में रखा, बाहर रखा और लोहा तुरंत जंग लग गया उसको, वो स्लो प्रोसेस है। दूसरा, कंबशन जो है उसमें हमें हीट मिलती है, लेकिन रस्टिंग में हीट नहीं मिलती है या कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हीट मिलती है। दूसरा, रस्टिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन कंबशन जो है उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो हम उसको आग देते हैं ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच सके, लेकिन रस्टिंग में ऐसा होता ही नहीं, रस्टिंग तो रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। तो इसी कारणों से हम रस्टिंग को कंबशन नहीं कह सकते। अब अबीदा और रमेश की बात की गई, ये दोनों दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या, देखिए एक कैंडल है आपकी, ये रही आपकी कैंडल। अब कैंडल के फ्लेम्स की बात की जाए, सबसे पहले मैं 3 फ्लेम्स बना देता हूँ यहाँ पे, तीनों उसके जोन्स जो हैं, देखिए ये 2 जोन हो गए और ये 3रा जोन हो गया, समझिए तीनों जोन बना दिए। ये जो पहला बाहर वाला है ये कैसा रहता है, ये हॉटेस्ट रहता है, सबसे गर्म यही रहता है ना। उसके बाद अंदर का ही ये मॉडरेट रहता है, मॉडरेट मतलब मीडियम, और ये अंदर वाला ही बहुत ही कम रहता है, लीस्ट, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो अबीदा थी उसने येलो पार्ट में रखा पानी गर्म करने के लिए, उसके बाद बीकर था, बीकर में पानी था, अबीदा ने येलो पार्ट के अंदर उस बीकर को रखा और रमेश ने उसको आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर रखा। अबीदा ने येलो पार्ट में रखा यानी कि यहाँ पर रखा, और रमेश ने रखा उसको बाहरी पार्ट में, तो किसका पानी पहले गर्म होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले गर्म होगा रमेश का, क्योंकि रमेश ने आउटर मोस्ट जोन में रखा है और आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट पार्ट रहता है, इस कारण से उसका पानी जल्दी गर्म होगा। तो ये था हमारा वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स और पूरी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ब्लैंक्स एंड एवरीथिंग ऑफ चैप्टर नंबर 6 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8 कंबशन एंड फ्लेम। होप यू एंजॉयड द वीडियो, मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंचाऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।